अपने धर्म के दायरे तक सीमित रहे। सारिया ने अपन का भला किया, सारिया ने अपने घर वसाए, सारिया ने अपने धर्म नू इजाद किया, पर केवल पातशाह गुरु नानक साहब का घर जिन्हें अपना घर उजाड़ के दुनिया नू आजादी दिती। ये याद रखो, समाज अंदर बहुत सारे पीर पैगंबर औलिए अवतार वली पुरश आए जिन्हां नू दूसरे धर्म दी मदद करन दी गल आखी जांदी सी, ते कहिंदे सन साडे धर्म दा नहीं, पर इको कलगियां वाले पातशाह धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब इस समाज ते मनुखता दी आजादी की खातर अपनी जान तली ते रखदे ने ते परिवार वार दिंदे ने। आप विचारवान मातावां भैणां वीर बजुर्ग बैठे हो, एक छोटा जिहा नुकता, अगर सतगुरु दी विरासत नूं वेखीए ते इक शायर ने बड़ा सोहना सिद्धांत साडे सामने रखिया। वो कहिंदे गुरु गोबिंद सिंह साहिब कौन ने? अगर गुरु पातशाह नूं राजनेता दे तौर ते वेखिया जावे ते पातशाह दी हर एक चाल दुनिया नालों वक्खरी है। गुरु पातशाह नूं धार्मिक आगू दे तौर ते वेखिया जावे ते दुनिया विच ऐसा धार्मिक आगू नहीं। मरदे जंग दलेर दे तौर ते वेखिया जावे ते गुरु पातशाह वर्गा दलेर कोई नहीं, ते कमाल दी गल समाज दा कोई भी गुण साहिब गुरु गोबिंद सिंह साहिब दे सामने रख के वेखो, पातशाह हर एक गुण अंदर संपूर्ण ने। गुरबाणी विच जदों गुरु दी परिभाषा पढ़ांगे, गुरु अर्जन साहिब पातशाह ने कहा सत पुरख जिन जाने, सत गुर तिस का नाओ, तिस कै संग सिख उदर है, नानक हर गुण गाओ। कलगियां वाले साहिब ने इस परिभाषा नू संपूर्ण कीता। मैं अपने सीमित समय विच रह के कुछ को नुकते आप दे सामने रखने। पहली गल, असी अपने आप नू गुरमत विचारधारा ते लैके आईए। अज ठंड दा मौसम है, असी अपने आप नू ठंड तो बचाउण वास्ते पता नहीं कितने को जतन करदे आ। साडे कोल घर विच साधन ने, हर एक चीज है, खत्म हो जावे पर इन्ना गुरु तो कुर्बान हुंदे ने, एक लाश बन के धरती ते डिगदे ते दूजा गढ़ी जां चमकौर जां किले विच पुकार के कहिंदे पातशाह आग्या दे, मैं भी तेरी खातर शहादत दा जाम पीना है। ए उन्हां दे अंदर दा प्यार है। लिखत वाला लिखल पेश करदा कहिंदा अंदर सिंघां दे मास ठंड करके हड्डियां नालों अलग हो रहे ने। कोई अपनी जिंदगी विच जिस्मानी तौर ते खराब हो चुके, नकारा हो चुके, पर कोई भी सवाल करदे पातशाह नाल क्यों जुड़े हो, इको गल कहिंदे ने साडी जिंदगी दा आसरा ही गुरु है। मैं बेनती करा, अगर इतिहास दे किते पन्नियां नू अपने जहन विच अज असी टिकाईए ते साडी सिखी विच कदी पतित पुणे दा लफज नहीं आएगा, कदी दादी मां दा ओ फोकस साडी जिंदगी विच आ जावे ते शायद साडे घरां दे बच्चे फिर गलत रस्ते ते नहीं जाणगे। जेड़ी मां अपने पुत नू, अपनी धी नू, अपने परिवार नू, अपने घर दे मैंबरां नू गुरसिखी दे दायरे विच लिया के खड़ा करेगी, याद रखो उस मां नू अपने पुत दा डर नहीं होएगा कि ये नशे दे दायरे विच आके घर दे भांडे वेचेगा। क्योंकि जदों एहसास हो गया धर्म दा, उस दिन संपूर्णता आएगी। एक नुकता आप दे सामने में इतिहास दी घटना तो रखना चाहना। धन गुरु गोबिंद सिंह सचे पातशाह एक दिन अपने घोड़े ते सवार ने, नाल सिखां दा काफला जा रहे। असी जेड़े पखंड करदे आ मेरे गुरदेव ने वरजिया है, आप सवैये पढ़ के वेखो। साहिब किंद ने कहा भयो जो दो लोचन मूंद कै, की होया अखां बंद करके तू बह गया, बैठ रहे हो बक ध्यान लगायो, बगल समाधि भी बड़ी लई, नात फिरे लिए सात समुद्रन, दुनिया दे अनेकां प्रकार दे तीर्थां ते जाके इशनान कीता, बास की ओ बिख्यान सो बैठ के ऐसे ही ऐसे सो बैस बितायो, पर कुछ भी जिंदगी विच हासिल नहीं होया, क्योंकि जिस संसार अंदर रहने ओदे नाल नफरत करी जाने, जिस धर्म नू जीवन विच अपनाने ओ प्यार सिखाउंदे, पर तेरे अंदरों प्यार कोई पैदा नहीं हुंदा, केवल नफरत है। मेरे गुरदेव ने कहा साच कहो सुन लेहो सबे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो।
एक छोटा जिहा पख घोड़े ते सवार ने अज मेरे गुरु दा मन है कि सिखां दी प्रीख्या लई जावे। अज मेरे गुरु दा मन है कि जो मैं अपने सिखां नूं सिखाया की गल इन्हां ने सिखिया। इतिहास कहिंदे पीर दादू दी समाध है, गुरु पातशाह घोड़े तो थले उतरदे ने, कमान ते चिला चढ़ाउंदे ने, अपने तीर नाल तीर छड के पीर दादू दी समाध नूं नमस्कार हुंदी है। वेख लो किन्ने जागरूक सिख ने, गुरु प्रीख्या लैंदे, सिख प्रैक्टिकल विच पास हुंदे ने, किन्ना उन्हां दे अंदर सुचेतपन है, किन्ने ओ जागरूक ने, किन्ना उन्हां दी चढ़दी कला विच ओ विचरदे ने। भाई दया सिंह, भाई धर्म सिंह वर्गे प्यारे गुरु के सिख उन्हां ने सवाल कर दिता, पातशाह आ की साडियां अखां दे सामने, अज तक तुसी सानू कबर तो दूर रखिया, अज तक तुसी सानू मरी तो दूर रखिया, अज तक तुसी सानू किसे प्रकार दी बुत प्रस्ती नहीं करन दित्ती, पर अज आप पीर दादू दी समाध नू नमस्कार क्यों? मेरा गुरु कहिंदे सिखो मैं अपनी जिंदगी विच इस